सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय। बसपा का नारा विकास रोजगार भाईचारा। दंगा नहीं व्यापार देंगे, नफरत नहीं प्यार देंगे। ये महज एक नारा नहीं है, ये मरहूम अखलाक जी के दिल की बात थी आवाम की खिदमत के लिए। ये एक जुनून एक जज्बा था अखलाक जी का, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुलझाकर मेरठ शहर को सुखी संपन्न और विकसित किया, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा करके भी दिखाया। इस बात का गवाह पूरा मेरठ शहर व उसकी आवाम है। मरहूम अखलाक साहब मरते दम तक शहर में अमन चैन भाईचारा रोजगार व्यापार में बढ़ोतरी व शहरी और ग्रामीण विकास के कार्यों पर विशेष जोर देते रहे। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि अखलाक साहब के समय में जो तरक्की और अमनोचैन का दौर मेरठ शहर ने देखा वो अखलाक साहब के इंतकाल के बाद उनके जानीसार हाजी शाहिद अखलाक के शासनकाल के समय में फिर से देखने को मिला। ना तो इससे पहले शहर में किसी ने इतना विकास व अमनोचैन के बारे में सोचा और ना ही इस पर अमल किया, और ना ही कभी उनके कार्यकाल के बाद। अखलाक साहब की अमन भाईचारे व तरक्की की जो सोच उनके रोम रोम में समाई हुई थी उसका असर उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर साफ तौर से देखा व महसूस किया जा सकता है। हर धर्म वर्ग व आयु के नागरिक इस बात के गवाह हैं कि वो अखलाक साहब को एक व्यक्ति नागरिक व शासक के तौर पर अन्य लोगों से ऊंचा दर्जा देते हैं। उन्हीं के विचारों और कार्यों को सही मायनों में उनके ईमानदार और सच्चे जानीसान वली अहद हाजी शाहिद अखलाक ने आगे बढ़ाया है। हाजी शाहिद अखलाक का परिवार हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। यही सेवा भावना बचपन से ही उन्हें विरासत में मिली है। इस परिवार का मेरठ शहर के प्रति योगदान भुलाया नहीं जा सकता, और यही सेवा भावना हाजी शाहिद अखलाक द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में स्पष्ट तौर पर नजर आती है। एक अच्छे नेतृत्व के सभी गुण शाहिद अखलाक साहब को विरासत में मिले हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाते आ रहे हैं। उनके कार्यकाल में विकास कार्यों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, शहर को चमन जैसा सुंदर व साफ सुथरा बना दिया व अमनो अमान को हमेशा कायम रखा। नगर निगम की वसूली भी बढ़ गई थी, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का भी समाधान हो गया था। शहर में उस दौरान कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया। शिक्षा रोजगार व्यापार व चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। आज यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि मरहूम अखलाक साहब व शाहिद अखलाक के कार्यकाल में शहर की सबसे ज्यादा तरक्की हुई। परंतु आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं। शहर में ना तो अमन चैन है, ना ही शहर अब चमन जैसा लगता है। शिक्षा व रोजगार का स्तर बहुत गिर गया है। असामाजिक तत्वों की बहुत बढ़ोतरी हुई है। कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का किसी को ख्याल नहीं है। अब समय आ गया है हाजी शाहिद अखलाक जैसे ईमानदार जुझारू और कर्मठ इंसान के नेतृत्व का, जो सभी का चहेता है, इरादों का पक्का है और बात का सच्चा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही वो दलितों के खिलाफ रही है, ओबीसी के खिलाफ रही है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सेंटर में सरकार बनी, और इनकी लगभग छः साल इनकी लगभग सरकार चली, और जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने भारतीय संविधान की समीक्षा करने का इन्होंने ऐलान किया, और उसकी आड़ में जब हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से ये मालूम पड़ा कि इसकी आड़ में है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो SC ST OBC के लोगों को जो शिक्षा सरकारी नौकरियों में राजनीति में जो आरक्षण दिया था, तो इसकी आड़ में वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी को फिर पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन करना पड़ा, और ये डिसीजन भारतीय संविधान की समीक्षा का इनको वापस लेना पड़ा। तो जो भारतीय जनता पार्टी दलितों के पिछड़ों के रिजर्वेशन के खिलाफ है, तो ये जो नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि मैं भी इसका शिकार हूँ, वो केवल
दलितों को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलितों के, पिछड़ों के, और इतना ही नहीं उनकी जो मानसिकता है वो इसके साथ साथ सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत बनाने वाली है। तो इसी से ही तो पूरे देश के अंदर जो धर्म निरपेक्षता में जो लोग विश्वास रखते हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में इधर सत्ता में वापस आए। तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। मैं मेरठ ठाकुर लोकसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा है कि आपके प्यार से, आपकी वोटों से पहले भी अल्लाह का शुक्र है मैं मेयर और एमपी रहा हूं, मेरे वालिद साहब एमएलए रहे हैं, हमारा कार्यकाल आपके सामने है। हमने हमेशा गरीब आदमी को उसका अधिकार मिले, भाईचारा कायम रहे और क्षेत्र का विकास हो, इसी चीज़ को हमेशा बढ़ावा दिया है। लेकिन आज कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें भाई को भाई से लड़ा करके इख्तलाफ पैदा करके राजनीति करती हैं और गरीब आदमी को उसका अधिकार नहीं दिया जाता। साथियों, बहन जी ने 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुकूमत चलाई, आपने देखा कितने अमन अमान से 5 साल गुजरे हैं, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ, किसी गरीब पर अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन आज के हालात भी आप सबके सामने हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप फिरकाप्रस्त ताकतों को रोकना चाहते हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ दें और बहन कुमारी मायावती जो इस देश के अंदर फिरकाप्रस्ती को रोककर भाईचारा, विकास, सामाजिक न्याय और गरीब आदमी को उसका अधिकार देने की लड़ाई लड़ रही हैं, बहन जी के हाथ मजबूत करें। क्योंकि साथियों, मेरठ में भी आपने देखा है जो और लोग राजनीति कर रहे हैं और जिन जो लोग अब से पहले MP, मेयर, मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं, उन लोगों की कारगुजारी भी उठाकर देखें आप और हमारी कारगुजारी भी उठाकर देखें। जब मैं मेयर था सैकड़ों करोड़ रुपए कार्य गरीब बस्तियों में हुए, लेकिन उसके बाद में आज बस्तियों का हाल देखें आप, शहरी इलाके लखीपुरा, श्याम नगर, हुमायूं नगर, तमाम इलाकों को आप देखें तो सारे विकास रुके पड़े हैं, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती, शहर का बुरा हाल है। यदि आप चाहते हैं कि मेरठ एक बहुत अच्छी तरफ तरक्की की तरफ चले तो मेरा ये सपना है कि मैं मेरठ के अंदर ऐसा शहर मेरठ को बनाना चाहता हूँ जो मेरठ एक नुमाया शहर हो, जिस जैसे मेरठ की एक शान शौकत है, आज़ादी का प्रतीक है मेरठ, उसी तरह से मेरठ की एक शान शौकत हो, मेरठ के अंदर ट्रैफिक की समस्या जो हर वक्त रहती है ये समस्या खत्म हो और गरीब आदमी अमनो अमान और भाईचारे के साथ अपनी तरक्की करे। क्योंकि मेरे भाइयों, एक आम आदमी को दंगा या फसाद नहीं चाहिए, आम आदमी को रोजगार चाहिए, आम आदमी को विकास चाहिए और हम उसी चीज़ को देना चाहते हैं। हमारी पार्टी की नीति यही है। बहन जी ने हमेशा इस प्रदेश के अंदर जब जब सरकार चलाई है कभी आज तक कोई बदमनी नहीं हुई, कोई फसाद नहीं हुए, कहीं कोई गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन आज के हालात को देखते हुए आज वक्त का तकाजा है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट किया जाए। क्योंकि साथियों, अगर फिरकाप्रस्त ताकतों को कोई पार्टी रोक रही है तो बहुजन समाज पार्टी रोक रही है। हमारे पास सर्व समाज का वोट है, हमारे पास 4.5 लाख दलित वोट है और इसके अलावा हमारा अपना 5.5 लाख वोट है, इसके अलावा सर्व समाज का वोट। आज सर्व समाज का वोट अगर किसी पार्टी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा जब जब मेरठ में चुनाव लड़ा है इतिहास कायम किया है और आज फिर मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक और यादगार चुनाव बनेगा। लेकिन आप अपने वोट का ख्याल रखें, एक वोट भी अगर किसी इधर उधर की पार्टी को जाता है तो उसका फायदा सीधा सांप्रदायिक और फिरकाप्रस्त ताकतों को पहुँचेगा। अगर आप फिरकाप्रस्ती को रोकना चाहते हैं, आप भाईचारा चाहते हैं, आप विकास और तरक्की चाहते हैं तो आप हमारा साथ दें। हम यकीन दिलाते हैं आपको कि मेरठ के विकास के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपका भाई हूँ, आपकी ताकत हूँ और कभी मैं, मेरे परिवार ने, हमने कभी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं किया है। हम हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़े होंगे, हमेशा मेरठ के आवाम के बीच में रहेंगे और मैं वादा करता हूँ अपने मिलने का समय जनता से निर्धारित करूँगा, आपके बीच में रहूँगा, आपकी समस्याएं सुन करके आपके छोटे से लेके बड़े तक हर काम में आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप जानते हैं
कि अब से पहले हमारे वालिद साहब ने हमने 25 साल हो गए हमारे परिवार को इस मेरठ की सेवा करते करते खिदमत करते करते, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी खिदमतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ जिस तरह से चारों तरफ आज समर्थन मिल रहा है, लोगों की समझ में आ गया है कि दूसरे नेताओं को भी देख लिया उन्होंने क्या दिया, और हमारे परिवार को भी आपने देखा है साथियों। तो आप मुझ पर भरोसा करें, मैं एक ईमानदार और आपकी खिदमत की नियत से ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई जाति मफाद नहीं है, मेरी सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत है। यहाँ से अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को खोलना चाहते हो तो सीधे सीधे हाजी शाहिद अखलाक को वोट दे देना। आने वाली 10 तारीख को हाथी के सामने का बटन दबा देना, ये खुद बाखुद यहाँ से नेस नाबूद हो जाएंगे। आज मेरठ हापुर लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी माहौल है जिसके अंदर हमारे बड़े भाई शाहिद अखलाक साहब मेरठ हापुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ मेरठ लोकसभा के नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से कि एक एक वोट कीमती है, और आने वाली 10 अप्रैल को अपना एक एक वोट डालें और हमें अपनी दोबारा खिदमत का मौका दें। मैं अपने बड़े भाई शाहिद अखलाक की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने परिवार की तरफ से, कि आप जब भी हमें याद करेंगे हम जो है आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को मेरठ के लोकप्रिय और विकास पुरुष हाजी शाहिद अखलाक साहब को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, क्योंकि विकास से पुराना उनका नाता है और विकास कराना आता है। मेरे बड़े भाई हाजी शाहिद अखलाक को अपने खिदमत का मौका दीजिए और एक बार फिर से मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर इस विकास पुरुष को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए ये आपके बीच में रह के काम करेंगे, ये मेरी आप लोगों से अपील है। मैं खान मोहम्मद, मैं 2014 के इलेक्शन में हाजी शाहिद साहब के लिए वोट की अपील के लिए आया हूँ। मैं हाजी शाहिद को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से जाना है कि जब कभी भी शहर के अमन चैन पर हमला हुआ है तो वो बेचैन और परेशान हो जाते हैं कि मेरे शहर को क्या हो गया। अगर जो आप अपने शहर के अमन चैन को सही रखना चाहते हैं तो इसलिए अपनी वोट हाजी शाहिद को देकर कामयाब बनाएं, इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। मेरठ हापुड़ लोकसभा के सभी लोगों से ये गुजारिश है कि हाथी के सामने वाला बटन दबाकर शाहिद अखलाक जी को कामयाब करें, जिताएं उनको, कि हम सब भाई मिलकर पूरे हमारे हापुड़ मेरठ लोकसभा के तमाम साथी मिलकर भाईचारा कायम करके सब लोगों को समझा के अपना एक एक वोट हाजी शाहिद अखलाक के पक्ष में डलवाने का काम करें और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। मैं आपसे एक निवेदन गुजारिश करता हूं कि आने वाले जो ये अब ये इलेक्शन आए इसमें आप अपना कीमती वोट जनाब शाहिद अखलाक साहब को देकर भरना। मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी हाजी शाहिद अखलाक को हाथी का बटन दबाकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे और हाजी शाहिद अखलाक बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरी पुनः फिर मेरठ लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से पुनः अपील है, हाथी का बटन दबाकर हाजी शाहिद अखलाक को सांसद बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय जय भारत, खुदा हाफिज। इसीलिए साथ अपील और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को जिसने एक दिशा दी हो मेरठ के विकास को, उनको यहाँ पर MP बनाकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत कर बाबा साहब के सपने को साकार करना है। जय भीम, जय भारत। मेरी आप सभी बहन भाइयों से अपील है कि आने वाले चुनाव में आने वाली 10 तारीख को अपना कीमती वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी शाहिद अखलाक को देकर कामयाब बनाए। उनको दिया गया आपका एक वोट सांप्रदायिकता के खिलाफ भाईचारे की विजय हो। इंशाअल्लाह ताला हाजी शाहिद अखलाक साहब अब की बार इस
इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में ज़रूर शामिल हो जाएंगे और आने वाले जो चुनाव है उसमें हर एक मुसलमान का एक एक वोट गिन करके हाथी के निशान का सामने बटन दबा करके इंशाअल्लाह ताला हाजी शाहिद अखलाक साहब के फेवर में जाएगा। यही मेरी आपसे अपील है। इस प्रदेश की सरकार में पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में कानून का राज हो, भयमुक्त मुक्त रहे, दंगा मुक्त प्रदेश रहे, पूरा देश दंगा मुक्त रहे, ऐसा शासन हमको मिले। मेरी अपने मुस्लिम भाइयों से एक अपील है कि सोच समझ के बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर वोट करके बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। क्या आने वाले चुनाव में सभी शहर वासियों से क्या हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन कुमारी मायावती जी और शाहिद अखलाक साहब को इस देश का में जो है मतलब वोट देकर उन्हें कामयाब करने का काम करें। मैं तो यही कहूँगा ज्यादा से ज्यादा वोट शाहिद अखलाक साहब के लिए हाथी वाला बटन दबाकर जीत बनाए। तो मेरी सभी भाइयों से अपील यू है कि इंशाल्लाह हाथी का सामने वाला बटन दबाकर एमपी साहब को पार्लियामेंट में बनाओ, पहुंचाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, विशेषकर दलित समाज के भाइयों, किसी के बहकाए में नहीं आना। हाजी शाहिद अखलाक साहब को एक एक वोट हाथी के निशान पर बटन दबाकर हाजी शाहिद अखलाक साहब को सफल बनाना है। हमें विकास चाहिए, अगर हमें दंगा मुक्त चाहिए, अगर हमें जो है भाईचारा चाहिए तो हमें हाजी शाहिद अखलाक साहब को इस मेरठ को चमन बनाने के लिए हमें हाजी शाहिद अखलाक साहब को अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें जिताना होगा। अपने वोट को बहुत सोच समझ के शाहिद अखलाक को मतलब जो है वोट दे, किसी के मतलब गुमराह करने में ना आए और अपने वोट को कामयाब करे, बहन जी के हाथ मजबूत करे। मैं हाफिज मोहम्मद साजिद अंसारी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी जनाब हाजी शाहिद अखलाक साहब यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय हाजी शाहिद अखलाक साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। और मैं खास तौर से युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, घुटके मरते हैं सदा जान बचाने वाले। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। दोस्तों मतलब 5 साल बहन जी की सरकार चली और 5 साल की सरकार में आप बताओ मुझे ईमानदारी से कहीं कोई दंगे फिजाद हुए और इस सरकार में कितने हो गए? अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कल मेरे पास ब्राह्मण समाज के कम से कम 250-300 लोग आए और आके उन्होंने समर्थन केवल इस बात पे किया कि बहन जी की सरकार में आज तक दंगा फिजाद नहीं हुआ और जब से सरकार आई है कोई गरीब कमजोर महफूज नहीं है, इसलिए हम पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को देते हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो अब मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अपने वोट को खराब ना करें। वोट बहुत कीमती चीज है, इसी वोट के जरिए से बहन जी को 5 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है और इसी वोट के जरिए से आपके इंशाल्लाह देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये तमाम गरीब कमजोर मिलकर करेगा। इस देश में जब भला हो सकता है साथियों, जब आपके साथ में सर समाज हर कौम जुड़ी हुई हो। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। जिस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई उसी तरीके से सरकार दिल्ली में भी आनी चाहिए। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। इतिहास में अगर देखो जब चाइना का एमपी था, मेयर था,
साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। या तो अपने मंदिर को पाएंगे या शहादत का जाप पीएंगे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो